अमेरिकेची तयारी आहे चायनाला हरवण्याची, अमेरिकेची तयारी आहे चायनाला हरवण्याची, पण बाकीच्या देशांची तयारी आहे का अमेरिकेला सपोर्ट करण्याची? अरे बापरे, काहीतरी वेगळंच आलं. हे गाइस, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. आज के व्हिडिओ में इंटरनॅशनल रिलेशन से रिलेटेड एक बेहतरीन केस स्टडी मैं आपके लिए लेके आया हूँ. इंटरनॅशनल रिलेशन्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता. सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज अपनी पॉलिसीज चेंज करती है. जो कंट्रीज पहले एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही थी, वो अभी आप देखोगे एक साथ काम कर रही है. या आप लोकल लेवल पे भी देखोगे. अगर आप इंडिया का स्ट्रक्चर देखते हो तो बहुत सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके विजन 50 साल पहले बहुत अलग थे. वो टाइम पे वो पॉलिटिकल पार्टीज का कभी फ्यूचर में गठबंधन होगा ऐसा आप सोच भी नहीं सकते थे. लेकिन आज आप देख रहे हो कि वही पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ चुकी है और वो एक साथ काम कर भी रही है. कंट्रीज लाइक यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज और उसके साथ साथ बाकी के सारे कंट्रीज भी कंसिस्टेंटली अपनी पॉलिसीज चेंज करते जा रहे हैं. यूएसए गवर्नमेंट ने दो पॉलिसी चेंजेस लाए हैं जो वर्ल्ड के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं. सबसे पहला, यूएसए पुल्ड आउट फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी. ओपन स्काई ट्रीटी क्या है इसके बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं. और दूसरा, पिछले कुछ डिकेड्स में यूएसए ने ओपनली न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए गए थे. अभी वो बोल रहे हम लोग भी न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं. ये चीज से इंडिया को क्या फायदा होगा और ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं. यूएसए विथड्रॉज फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी. सबसे पहले ये देखते हैं ओपन स्काई ट्रीटी ये क्यों बनाई गई थी, उसके इंप्लीमेंटेशन के पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं. वर्ल्ड वॉर टू के बाद वर्ल्ड की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी. सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डाउट ले रहे थे और ऐसे टाइम में वर्ल्ड में शांति रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. कोई भी अभी कंट्री एक दूसरे के साथ वॉर ना छेड़े इसके लिए एक स्ट्रांग सर्विलेंस मैकेनिज्म की जरूरत थी. आज के जमाने में हमारे पास सैटेलाइट्स है तो कोई भी कंट्री की मिलिट्री एक्टिविटीज को इजीली देखा जा सकता है और वो कंट्री को रोका जा सकता है. लेकिन 1950s के ड्यूरेशन में ऐसे कोई भी सैटेलाइट्स अवेलेबल नहीं थे. सो सर्टनली एरोप्लेन्स का यूटिलाइजेशन करके एक सर्विलेंस मैकेनिज्म को डेवलप किया जा सकता था. तो ओपन स्काई ट्रीटी इसका इनिशियल प्रपोजल सोवियत प्रीमियर निकोलाय बल्गेनियन को दिया गया था बाय प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने एट जिनेवा कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955. लेकिन सोवियत ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं किया, इसको रिजेक्ट किया और बहुत साल तक ये जो ट्रीटी थी या ये जो ड्राफ्ट था वो डॉर्मेंट रहा बहुत सालों तक. 1989 के ड्यूरेशन में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, रशिया कंपेरेटिवली वीक हुआ और यही टाइम था जहां पे यूएसए आगे आके ये ट्रीटी को फाइनली एक्शन में लेके आ सकता था. द ट्रीटी वॉज इवेंचुअली साइन एज एन इनिशिएटिव ऑफ अ यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश इन 1989. और ये ट्रीटी को नेगोशिएट करने के लिए नाटो के मेंबर्स थे. नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कंट्रीज है वो यूएसए को सपोर्ट करने वाली या फेवर करने वाली कंट्रीज है. एंड वॉर्सो पैक्ट. वॉर्सो पैक्ट के तहत दुनिया में शांति का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी और ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था एट हेलसिंकी जो फिनलैंड में है और ये हुआ था मार्च 24, 1992. फाइनली फुल फ्लेज्ड ये ट्रीटी January 1, 2002 में एस्टैब्लिश हुई और आज इसमें 35 पार्टिसिपेंट स्टेट्स थे. इट एस्टैब्लिशेस अ प्रोग्राम ऑफ अनआर्म एयर सर्विलेंस फ्लाइट्स ओवर द एंटायर टेरिटरी ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स. अभी ये देखते हैं ये जो ट्रीटी है इसमें जो कंट्रीज है उसमें मेजरली कौन से कंट्रीज आते हैं. तो जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ना उतनी सारी कंट्रीज वर्ल्ड की ये ट्रीटी में शामिल है जिसमें मेजरली यूएसए है, कनाडा है, यूएसएसआर वो टाइम का, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जिसमें आयरलैंड नहीं है और उसके बाद अगर आप देखते हो तो वर्ल्ड की कुछ सिलेक्टेड कंट्री ही आपको इसमें दिखाई दे रही है. इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करते हो ना तो इसमें चाइना नहीं है. तो यही एक ट्रिगर्ड की वजह है जिसकी वजह से यूएसए ये ट्रीटी से पुल आउट करने के बारे में सोच रहा है. ये ट्रीटी के हिसाब से मान लो यूएसएसआर या आज का अगर आप रशिया देखते हो इसमें मान लो कोई अगर मिलिट्री एक्शन होने की संभावना है, अगर ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स बाहर लेके आ रहे हैं, आर्मी के मार्चिंग की प्रैक्टिस हो रही है या बड़े लेवल पे अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, मान लो ऐसा डाउट कोई भी कंट्री को है तो ऐसे केस में सबसे पहले रशिया को पूछा जाएगा कि आपके यहां पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या. और सडनली अगर रशिया की तरफ से अगर आंसर नो आता है तो ऐसे केस में कोई भी कंट्री उनके कंट्री के ऊपर से प्लेन को उड़ा के लेके जा सकती है और ये ऑब्जर्व कर सकती है कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है. तो ये ओपन स्काई ट्रीटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था. इसमें आप बोलोगे कि अगर पहले से अगर मुझे पता है कि कोई भी कंट्री का प्लेन मेरे जमीन के ऊपर से आने वाला है
तो फिर ऐसे केस में हम लोग सारे एक्शंस को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन में जो कंट्री प्लेन अपना उड़ा के लेके जाने वाली है वो बहुत शॉर्ट टाइम का नोटिस देगी, तो इसके वजह से सामने वाली कंट्री को ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। अभी क्वेश्चन ये आता है कि यूएसए ने ऐसा मूव क्यों लिया। सबसे पहला रीजन इसके पीछे ये है कि रशिया ने अपने कुछ एरिया को सर्विलेंस से बचाने के लिए वहां पे जाने के लिए बाकी कंट्रीज को प्रिवेंट किया है। दूसरी बात, ये जो ट्रीटी है इसमें चाइना नहीं है। अगर आप 20-25 साल पहले की बात करते हो तो वहां पे किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि चाइना वर्ल्ड पावर के हिसाब से 20-25 साल में अपना डोमिनेंस वर्ल्ड के सामने रखेगा। अगर ये ट्रीटी में चाइना नहीं है तो ये ट्रीटी का वैसे भी कुछ मतलब यूएसए के लिए नहीं होता। रशिया का और एक प्रॉब्लम यूएसए को है, दैट इज इट इज पॉसिबल दैट रशिया कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यूएसए की चाइना को बेच सकता है या चाइना को दे सकता है, तो ये डाउट्स होने की वजह से यूएसए ये ट्रीटी से पुल आउट कर सकता है। यूएसए ने ऐसे विदड्रॉवल्स रिसेंटली किए हैं क्या? तो आंसर इज यस। सो ट्रंप्स टॉप 5 विदड्रॉवल्स फ्रॉम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ये चीज को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है विदड्रॉवल फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ट्रंप का यह कहना था कि एक ड्रैकोनियन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक बर्डन है जो यूएसए को फेस करना पड़ रहा है, इसके वजह से यूएसए के इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ रहा है। विथड्रॉल फ्रॉम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, अमेरिका फर्स्ट, ऐसा उनका एक कहना था। लोगों के जॉब जा रहे थे और लोगों को जॉब देके उनकी इकोनॉमी अच्छी करनी है, यह सबसे पहली स्टेप थी, तो इसके लिए विथड्रॉवल फ्रॉम ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यह भी किया गया था। विथड्रॉवल फ्रॉम यूनेस्को, एंटी इजराइल बायस की वजह से यूएसए ने इसमें से पुल आउट कर लिया था। अभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को में इन्होंने पहले भी पुल आउट किया था क्या? तो आंसर इज यस। एक्स प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन, इन्होंने 1984 में भी ट्वीट किया था ड्यू टू अलेज्ड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड क्लेम्स ऑफ एंटी यूएस बायस इन सम ऑफ इट्स पॉलिसीज। लिविंग ईरान न्यूक्लियर डील, विथड्रॉवल फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, पीछे भी कुछ रीजन है जैसे कि प्रोब इंटू रिसेंट किलिंग्स इन गाजा एंड एक्यूज इजराइल ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ अ फोर्स। रशिया के साथ एक ट्रीटी थी जिसमें इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात हुई थी, तो उससे भी इन्होंने पुल आउट किया है क्योंकि चाइनीज न्यूक्लियर मिसाइल्स पैसिफिक में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पुल आउट्स यूएसए ने रिसेंटली किए हैं सो दैट वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स को और अच्छा कर सके। क्वेश्चन ये आता है कि अगर रशिया के ऊपर अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर अटैक करती है तो क्या हो सकता है? तो ऐसे स्पेसिफिक केस में रशिया अपना डेड हैंड न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। रशिया की कोई भी सिटी के ऊपर अगर कोई भी कंट्री की तरफ से अगर न्यूक्लियर अटैक होता है ना, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में रशिया अपना यह मैकेनिज्म ऑन कर देगा और वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज के ऊपर उनके मिसाइल जाके हिट करेंगे और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ऐसी पावर आज भी रशिया के पास है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस्ड कंडक्टिंग फर्स्ट यूएस न्यूक्लियर टेस्ट इन डिकेड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे देश के लिए। न्यूक्लियर बम फटने की वजह से ऐसा कुछ माहौल हो जाता है, बहुत ही खौफनाक होता है। ये दो फेमस पर्सनालिटी है वर्ल्ड की, है कि नहीं? डोनाल्ड ट्रंप जी बोलते हैं कि मेरे पास न्यूक्लियर का बटन है, जिनको जवाब देने के लिए किम जोंग उन बोल रहे हैं कि मेरे पास न्यूक्लियर का आपसे भी बड़ा बटन है। ये ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कुर्ला स्टेशन पे खड़े रहकर झगड़ा कर रहे हैं। वर्ल्ड के बड़े लीडर्स अगर ऐसे स्टेटमेंट्स करेंगे तो कैसा लगेगा? लेट अस डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको CTBT ऐसे भी बोला जाता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है दैट बैंस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स फॉर बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री पर्पसेस इन ऑल एनवायरनमेंट। 1995 तक मेजरली ऐसे कंट्रीज थे जो बड़ी पावर्स है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन ये लोग दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए मना कर रहे थे और ये एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी था। अगर आप देखते हो तो वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज आपको CTBT के पार्टिसिपेंट्स दिखेंगे। ये साइन किया गया था 10 सितंबर 1996, तो ऑलमोस्ट 23 इयर्स हो चुके हैं। तो अगर आप देखते हो तो इसमें तीन मेजर कंट्रीज नहीं है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान है। तो इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था 1998 में, और नॉर्थ कोरिया, ये तो किसका सुनने वाला है, तो इन्होंने 2006, 2009, 2013, 2016 में इन्होंने दो टेस्ट की थी और 2017 में भी इन्होंने टेस्ट की है। तो अभी अगर ये तीन कंट्रीज अगर किसका भी नहीं सुन रहे, तो ऐसे स्पेसिफिक केस में क्या किया जाता है, तो इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस बड़े कंट्रीज के यहां से लगाई जाती है। अभी यहां पर एक चीज समझ के लेते हैं, चाइना जो है
इनका एक न्यूक्लियर टेस्ट बेस है जिसका नाम है लोपनूर। ये देखो, ये इसका लोकेशन है। यह है नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर साइट का लोकेशन। देखो यहां पे वो किधर तो है, अगर ओवरव्यू आप देखना चाहते हो, और सेम चीज को अगर आप जूम करके देखोगे तो इतने सारे लोकेशंस पे वो लोग टेस्ट कर रहे। अभी देखते हैं हमारा इंडिया और पाकिस्तान, इनके न्यूक्लियर साइट्स कहां पे। तो हम लोग ने May 11 ये ड्यूरेशन में टेस्ट किया था 1998 में। तो ये देखो यहां पे हम लोग ने टेस्ट किया था। अगर आप ये जोन देखते हो ना, तो ये पूरा एक डेजर्ट वाला जोन था। और कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए। अभी देखो ना हम लोग कितना होशियार है, हम लोग ने अपना जो टेस्ट का लोकेशन है वो देखो पाकिस्तान के बहुत नजदीक रखा है। गलती से थोड़ा इधर उधर हो गया तो सॉरी बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब ये जो चार कंट्रीज है उनके लोकेशन से आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाएगा कि ये यूएसए जो है ना वो पुल आउट करने के बारे में क्यों सोच रहा है। सबसे पहले देखो वाई सच मूव, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, तो उनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने अप्रैल 2020 में एक रिपोर्ट दिया था। यह रिपोर्ट में ये लोग बोल रहे थे चाइना का लोपनूर ये एक न्यूक्लियर साइट है जहां पे ये लोग कंसिस्टेंटली न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं 2019 में। तो बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने ऑलरेडी किए हैं जिसमें एक्सप्लोजिव कंटेनमेंट चेंबर, एक्सटेंसिव एक्सकैवेशन एक्टिविटीज ये सब हो रहा है। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो चाइना की तरफ से ट्रांसपेरेंट नहीं की जा रही है। यूएस ऐसे भी क्लेम कर रहा है कि रशिया भी ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ वर्ल्ड लेवल पे अगर दो बड़ी कंट्री कर रही है तो यूएसए कैसे पीछे रहेंगे। उन्होंने तो बोला है कि पिछले कुछ डिकेड्स में हम लोग ने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है, लेकिन अभी हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर यूएसए ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। सर्टनली वो अपना पावर दिखाना चाह रहा है पूरे वर्ल्ड को। अभी ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि डायरेक्टली वो वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उनको सिर्फ दिखाना है कि आज भी हम लोग वर्ल्ड पावर है और हमारे पास आज भी बहुत ज्यादा ताकत है, हम लोग किसी को भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। आपने ये देखा होगा जब इलेक्शन वगैरह होता है ना, तो बहुत सारे बड़े कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो रैली निकालती है और वो अपने शक्ति प्रदर्शन करते हैं। शक्ति प्रदर्शन करने के पीछे का वजह क्या होता है, उनको ये दिखाना होता है अपोजिट कैंडिडेट्स को, देखो मेरे पीछे कितने लोग हैं। और सर्टनली जो रिजल्ट्स आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में वो उनके फेवर में आते हैं जिनके पीछे इतने सारे लोग रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं। यूएसए के अगर ये मूव की वजह से मान लो इंडिया ने नेक्स्ट 5 to 10 years में बहुत सारे अगर न्यूक्लियर टेस्ट किए और बहुत बेहतरीन अगर न्यूक्लियर वेपन अगर हम खुद से बना सकते हैं, तो ऐसी हालत हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज की हो सकती है कि नहीं। अगर यूएसए ओपनली अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली इससे इंडिया को बेहतर फायदा हो सकता है। हम हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 to 10 years में हम लोग अपनी टेक्नोलॉजीज डेवलप करके न्यूक्लियर फील्ड में बेहतर तरीके से आगे आ सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो यूएसए की मूव है उससे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज है जो न्यूक्लियर में कुछ काम करना चाह रही है, वो ओपनली कर सकती है। क्योंकि अगर वर्ल्ड लीडर नहीं मान रहा है तो हम क्यों माने, ये डिस्क्रिमिनेशन हम क्यों फेस करें। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली वर्ल्ड लेवल पे आएगा और बाकी की कंट्रीज भी अभी ओपनली न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश करेंगी। कोरोना की वजह से वर्ल्ड में हाहाकार मच चुका है। क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी ये किस तरह से कर सकते हैं, डेफिनेटली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसमें ये पॉइंट को रेज किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स ने ये चीज को सपोर्ट किया है कि वुहान में ये जो केसेस है वो सबसे पहले देखे गए और वहां से ही वायरस जो है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है, तो इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जर्मनी के ऑफिशियल्स ने भी इसको सपोर्ट किया है और वर्ल्ड के भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ये बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। COVID-19 की वजह से वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज थम चुकी है, सारा व्यवहार स्टॉप हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका स्ट्रांग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर मैरिस पेन मोंडे, इन्होंने ग्लोबल सपोर्ट की बात की है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन COVID-19 का होना चाहिए। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, इन्होंने भी ऐसा बोला है कि नो कंट्री कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम अलोन, तो सबको मिलके इसमें काम करना पड़ेगा। यह वायरस का जो ओरिजिन है वो वेट मार्केटिंग वुहान चाइना यहां पे पाया गया था और 116 ऑफ 194 मेंबर स्टेट्स वेयर इन अ फेवर ऑफ दिस रिजोल्यूशन। अभी क्वेश्चन ये आता है अगर ये रिजोल्यूशन वहां पे पास भी हो जाता है तो चाइना इसको एक्सेप्ट करेगा क्या। दूसरी बात, अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है तब तक चाइना के पास इनफ टाइम होगा जिसमें वो सारे सबूत को इजीली मिटा सकता है, तो चाइना को पकड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा।
तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से बाहर निकलने के लिए ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसमें और कौन सी चीजों के बारे में बात किया जा सकता है. इंटेंसिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स टू कंट्रोल द पैंडेमिक एंड फॉर इक्विटेबल एक्सेस टू एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एसेंशियल हेल्थ टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स टू कॉम्बैट द वायरस. अभी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के पास बहुत अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट्स है जिसमें वेंटिलेटर, मास्क, मेडिसिन ये सारी चीजें हैं. लेकिन चाइना की तरफ से वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज को सही ढंग से हेल्थ प्रोवाइड नहीं की जा रही है. जब वो हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं तो फॉल्टी इक्विपमेंट्स बहुत सारी कंट्रीज को मिल रही है. तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि चाइना ये जो टाइप का गेम खेल रहा है वो क्यों खेल रहा है. इसकी वजह से सारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो है उनको बहुत बड़े लेवल पे आर्थिक नुकसान हो सकता है. ये डिस्कशन से आपको एक बात तो पता चल गई होगी, चाइना जो है वो डेफिनेटली कच्ची गोलियां नहीं खा रहा है, उसने बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की है इसके पीछे. अगर ये बात एक्सेप्ट भी होती है कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो चाइना को उतना सफिशिएंट टाइम तो मिल ही जाएगा जिससे वो जितने भी उससे रिलेटेड एविडेंसेस है वो पूरे डिस्ट्रॉय कर सकता है. आपको पता है स्पैनिश फ्लू को स्पैनिश फ्लू ही क्यों बोला जाता है? अगर आप देखते हो ना इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो स्पैनिश फ्लू ये जो फ्लू था वो वर्ल्ड वॉर वन जब ही चल रहा था वो ड्यूरेशन में पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ. अभी इसका जो केस पाया गया था वो एक यूएस सोल्जर में देखा गया था और उसके बाद उसका जो स्प्रेड है वो पूरा यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था. स्पैनिश फ्लू की वजह से वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी, मिलियंस ऑफ लोग उसमें मर चुके थे. तो ये एक डेडली इवेंट था. वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे स्पेन एक ऐसा कंट्री था जो वॉर की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था. वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ये जो चीजें हैं वो थी और मीडिया जो था वो बड़े लेवल पे बहुत सारी चीजों को ओपन कर रहा था. तो ये जो फ्लू है ना उसके बारे में भी वो इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर चुका था. तो बड़े प्लेयर्स जैसे कि आपके पास यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए है, तो उन्होंने ये चीज नोटिस की कि एक छोटी सी कंट्री हमारे खिलाफ बात करने की कोशिश कर रही है और ये जो फ्लू है उसके लिए एक कोई भी बड़ी कंट्री जिम्मेदारी नहीं लेगी. तो ये जो पूरा फ्लू का माहौल था उसका नाम जो है वो स्पेन के नाम पे डाल दिया और इसलिए स्पैनिश फ्लू को स्पैनिश फ्लू बोला जाता है क्योंकि स्पेन उसके बारे में ज्यादा बात कर रहा था और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी कंट्री तैयार नहीं थी. तो अल्टीमेटली इसके लिए एक चीज यूज की गई, दैट इज ब्लेम करना स्टार्ट किया गया स्पेन को और अल्टीमेटली ये फ्लू को नाम दे दिया गया स्पैनिश फ्लू. तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं? अभी अगर आप एक चीज देखोगे ना तो बहुत सारे ब्लेम गेम्स आपको वर्ल्ड लेवल पे भी दिखाई देंगे. अभी यूएसए और चाइना एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करना स्टार्ट करेगा कि ये जो कोविड-19 है वो चाइना की वजह से हुआ है, ऐसा यूएस बोलेगा. चाइना बोलेगा नहीं, उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार हो. ऐसे बहुत सारे ब्लेम गेम्स आपको दिखाई देने वाले. अभी हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं कि उसके पीछे के ओवरऑल रीजंस क्या है. अगर ऐसे कुछ ब्लेम गेम्स आते हैं ना तो डेफिनेटली बहुत सारे सैंक्शंस एक दूसरे के ऊपर रखने के बारे में मेजर कंट्री सोचती है. तो यूएसए सर्टनली कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस चाइना के ऊपर रखने की कोशिश करेगा और चाइना उसमें से बाहर आने के लिए डेफिनेटली डिफेंड करेगा और बेहतर तरीके से वो बाहर आ भी जाएगा. इसके ऊपर हम लोग अभी प्रॉपर डिस्कस करने वाले. पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ल्ड. अगर आप ये फोटो देखते हो तो इसमें आपको एक ब्लेम गेम दिखाई देगा. यूएसए बोल रहा है कि इसके पीछे आपका हाथ है, चाइना बोल रहा है नहीं इसके पीछे आपका हाथ है और पूरी दुनिया ये ब्लेम गेम को देख रही है. अभी ये जो पूरा इकोनॉमी यूएसए का नीचे जा चुका है इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदारी चाइना का है, ऐसा यूएसए का कहना है. और इसके लिए यूएसए ने बेहतर प्लान भी बनाया जिससे वो चाइना को पनिश करने की कोशिश करेगा. बहुत सारे इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस यूएसए चाइना के ऊपर इंपोज करने की कोशिश करेगा. लेकिन चाइना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है. चाइना ने बेहतरीन जवाबी हमला यूएसए को देने का पूरा प्लान किया है. हम लोग ये चीज को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, यूएसए और चाइना के बीच में ये जो चीजें हो रही है जिससे अल्टीमेटली वर्ल्ड में किसका फायदा होगा और बींग इंडियन सिटीजन हमें इससे कौन सी चीज को लेना है. अगर आप देखते हो ना तो चाइना ने पिछले 20-25 साल में बहुत तगड़ा अपना नेटवर्क सेट करके रखा है जिसमें वो अपनी चीजें बेच भी रहे हैं. उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस बहुत सारी जगहों पे ओपन किए हैं. सर्विसेज में वो टॉप नंबर पे है. अभी पिछले 10-15 साल में उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चीज की है जिसमें वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को वो कनेक्ट करने वाले हैं जहां पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी और बहुत सारा बिजनेस वहां पे होगा और इसमें जो सेंट्रल रोल परफॉर्म करेगा वो होगा चाइना. अगर आप देखते हो तो चाइना ने ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर बहुत तगड़ा कंट्रोल करके रखा है. बेल्ट रोड इनिशिएटिव ये इनका ऑलमोस्ट सक्सेस होने वाला प्लान है.
अभी क्वेश्चन यह आता है कि यूएसए को इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है। अगर आप देखते हो ना तो मेडिसिन से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए यूएसए चाइना के ऊपर डायरेक्टली निर्भर करता है। अभी क्वेश्चन यह आता है कि हम लोग ने अभी तक ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी नो डीग्लोबलाइजेशन से रीग्लोबलाइजेशन तक हमें सोचना पड़ेगा। देखो रीग्लोबलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है। अभी सर्टनली यूएसए चाइना के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा उसके लिए कुछ कंट्रीज उनको सपोर्ट करेगी, सर्टनली चाइना को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज भी होगी। तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी बदल जाएगा, थोड़े दिन में आपको इसके बारे में भी और पता चलने वाला है। यूएसए की 100 से ज्यादा कंपनीज अभी चाइना से बाहर आने के बारे में सोच रहे और उन्होंने इंडिया और वियतनाम में अपने प्लांट्स ओपन करने के बारे में इनका बिजनेस प्लान चल रहा है, जिसमें यूपी में आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देने वाले। अभी यूएसए को क्या करना पड़ेगा, उनको अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसमें मेडिसिन से लेके बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत सारी छोटी मोटी चीजें जैसे कि वेंटिलेटर्स, बेसिक मेडिसिन, इसके लिए यूएसए डायरेक्ट डिपेंड कर रहा था चाइना के ऊपर। तो उन्होंने अपने कंट्री में उसका जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम किया था और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी फेस करना पड़ रहा है। अभी ये बहुत सारे इंपोजिंग कॉस्ट चाइना के ऊपर लगाएंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखो, चाइना जो है वो अभी कच्चा प्लेयर नहीं है, उसने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा, है ना। चीन की अमेरिका और बाकी देशों के खिलाफ जबरदस्त आर्थिक हमले की योजना, अभी ये चीज क्या है हम लोग देख लेते हैं। यूएसए बैंड सेमीकंडक्टर सप्लाई टू हुआई, हुआई चाइना की एक बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। यूएसए अभी सेमीकंडक्टर का सप्लाई जो बंद करने वाला है उसमें वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे अगर उन्होंने अपने एक्सपोर्ट रूल को अगर चेंज किया या मॉडिफाई किया तो सेमीकंडक्टर का लिमिटेशंस हुआई कंपनी को कम लेवल में उनको मिल सकता है। दे प्लान टू फर्दर रिस्ट्रिक्स हुआईज डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स यूजिंग अमेरिकन टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन। तो अमेरिका के पेटेंट्स इनोवेशंस यूज करके हुआई आगे के डेवलपमेंट्स नहीं कर सकता। मई 2019 में यूएसए ने हुआई, ZTE, ये जो चाइनीज बड़ी कंपनीज है उनको अपने कंट्री में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, और ये जो प्लान है वो मई 2021 तक उन्होंने एक्सटेंड किया है। और ये क्यों किया है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। यूएसए का ऐसा मानना है कि उनकी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, उनके नागरिकों का डेटा और सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये कंपनीज के थ्रू चाइना में जा रही है, जिससे उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकता है। अभी क्वेश्चन यह आता है कि चाइना अभी जवाबी हमले में क्या कर सकता है। चाइना अभी बोलेगा कि हम आपकी कंपनीज को अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में डाल देंगे, जिसकी वजह से यूएसए को 36 बिलियन का लॉस डायरेक्टली हो जाएगा। दे विल लॉन्च इन्वेस्टिगेशन एंड इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन यूएस कंपनीज लाइक एप्पल, और दूसरी कंपनीज है उनके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आएंगे। अगर आप देखते हो ना तो जनवरी से लेके मार्च 2020 ये जो 3 months है ना, इसमें एप्पल का ऑलमोस्ट 14.8% टोटल रिवेन्यू डायरेक्ट चाइना से है। आप समझ रहे हो 14.8% रिवेन्यू, ये बहुत बड़ी बात होती है। हॉल्टिंग परचेस ऑफ बोइंग एरोप्लेन्स, तो 30 बिलियन युआन पर ईयर इतना लॉस यूएसए को हो सकता है। 5G पेटेंट्स में हुआई कंपनी यूएसए से बहुत ज्यादा आगे है। अभी जो बिजनेस एनालिस्ट है, वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल स्टडी करने वाले जो स्पेशलिस्ट है, उन्होंने ऑलरेडी ये स्टेटमेंट किया है कि यूएसए हैज लॉस्ट द वॉर ऑलरेडी, क्योंकि बाकी बहुत सारी कंट्रीज है वो यूएसए को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर आप देखते हो तो हुआई जैसी कंपनी वर्ल्ड लार्जेस्ट पेटेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है। यूएस का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने यूएस की बहुत सारी कंपनीज को ऑलरेडी परमिशन दी है कि वो हुआई के साथ काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पूरा वर्ल्ड चाइना को जब भी पूछेगा व्हाई यू डिड दिस, तो डेफिनेटली चाइना बोलेगा इट्स बिजनेस, व्हाट आई डिड वाज बिजनेस। जापान्स इकोनॉमी फॉल्स इनटू रिसेशन एज वायरस टेक्स इट्स टॉल, जापान बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू फॉल इनटू रिसेशन। अभी क्वेश्चन ये आता है कि रिसेशन किसको बोलना चाहिए। रिसेशन इज अ बिजनेस साइकिल कॉन्ट्रैक्शन व्हेन देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कंसेक्यूटिव 2-3 quarters के लिए अगर इकोनॉमी अगर आपका नीचे जा रहा है तो वो स्पेसिफिक केस में हम लोग बोलेंगे कि रिसेशन आ चुका है। अभी क्वेश्चन यह आता है कि रिसेशन आने की कौन सी वजह होती है। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल क्राइसिस एंड एक्सटर्नल ट्रेड शॉक, इसके वजह से हो सकता है, एंड एडवर्स सप्लाई शॉक, द बर्स्टिंग ऑफ इकोनॉमिक बबल, और लार्ज स्केल नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर, जिसमें यह कोरोना पैंडेमिक है। अभी क्वेश्चन यह आता है कि जापान की इकोनॉमी फर्स्ट ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि ये रिसेशन फेस कर रही है। अब इसके पीछे के वजह हम लोग जानने की कोशिश करेंगे।
कोरोना वायरस की वजह से सेल्स टैक्स हिट फ्रॉम 10% फ्रॉम 8% इन अक्टूबर. डिपेंडेंस ऑफ अ ट्रेड ऑन यूएसए एंड चाइना. जापान की इकोनॉमी डायरेक्टली यूएसए, चाइना और अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है. जापान ने फुल नेशन लॉकडाउन कभी भी नहीं किया. उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित की थी इन अप्रैल, जिसकी वजह से सप्लाई चेन एंड बिजनेस इन ट्रेड ये अफेक्ट हुआ था. अभी क्वेश्चन ये आता है कि इनकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट करती है गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर दूसरे कंट्रीज में अगर कुछ डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड है, तो जापानीज इकोनॉमी का उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है. अगर आप देखते हो तो जापान की एक ओवरऑल इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर भी डिपेंड करती है. अगर आप देखते हो तो ये जापान के आइलैंड से आप फोटो में ये चीज देख सकते हो. जापान की मेजर कंपनीज जैसे कि टोयोटा, होंडा और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, इनके सेल्स में बहुत बड़े लेवल पे ड्रॉप हो चुका है. अभी क्वेश्चन यह आता है कि जो दूसरी इकोनॉमीज है वहां पे रिसेशन नहीं है क्या? जापान में यह इफेक्ट सबसे पहले देखा गया, लेकिन अभी दूसरी कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस और दूसरे डेवलपिंग नेशंस, इनमें भी रिसेशन देखा जा सकता है आने वाले कुछ महीनों में. अभी क्वेश्चन यह आता है कि जापान ने इससे बाहर पड़ने के लिए कुछ किया है या नहीं किया है. डेफिनेटली उन्होंने स्ट्रैटेजी बना के रखी है टू शिफ्ट प्रोडक्शन आउट ऑफ चाइना. तो बहुत सारे जापानीज ऐसी कंपनीज है जो चाइना से अभी प्रोडक्शन बाहर लेके आएंगी. आइदर वो अपने कंट्री में प्लांट सेट करेगी या फिर दूसरे फ्रेंडली नेशंस के साथ वो टाई अप्स कर सकती है. उन्होंने 20% जीडीपी पैकेज दिया है. देखो यहाँ पे पैकेज ये वर्ड आया, हाउ ग्लोबल कोरोना वायरस स्टिमुलस पैकेज कंपेयर. यहाँ पे देखते तो जापान ने सबसे ज्यादा पैकेज जारी किया है 21.10%. उसके बाद यूएसए, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी के बारे में ये बात कर रहे हैं. उसके बाद स्वीडन, जर्मनी, इंडिया जो है वो आपका फिफ्थ नंबर पे अभी है. उसके बाद फ्रांस, स्पेन, इटली, यूके, चाइना, साउथ कोरिया, ये सारी चीजें आती है. अभी ये जो पैकेज है ना वो स्टिमुलस पैकेज है. स्टिमुलस पैकेज में लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा नहीं आता. ये जो पैसे होते हैं या जो ये हेल्प होती है वो डायरेक्टली बिजनेसेस एंड बैंक को होती है और पब्लिक को इसका इनडायरेक्ट फायदा होता है. अभी अगर आप देखते हो तो जापान ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई होगी और वो स्ट्रैटेजीज हम लोग अपने कंट्रीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, सो दैट हम लोग इकोनॉमिक रिसेशन से जल्दी बाहर आ सकते हैं. 20 लाख करोड़ का पैकेज, पैसा जाता किधर है? एकदम मालामाल हो जाओगे आप. इसके ऊपर एक बेहतर केस स्टडी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं. अगर पैकेज ये चीज के ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये केस स्टडी से आपको एक पूरा अंदाजा आ जाएगा. जब भी गवर्नमेंट कोई भी पैकेज जारी करती है तो ओवरऑल पैसा जाता कहां पे, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा. ये डिस्कशन से आपको एक बात पता चल गई होगी कि जापान ने अपनी पॉलिसीज को किस तरह से फ्रेम किया है और अभी वो धीरे धीरे रिसेशन से बाहर भी आ जाएंगे क्योंकि उसका उनके पास एक बेहतर एक्सपीरियंस भी है. अभी इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? इंडिया को भी अपनी पॉलिसीज फ्रेम करते समय हमें वर्ल्ड के जो बेस्ट एग्जाम्पल्स है उसको कंसिडर करना पड़ेगा. वो अपनी इकोनॉमी किस तरह से रिवाइव कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा. डेफिनेटली हम लोग एक बहुत बड़ी कंट्री है, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है. हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, ग्रीन जोन भी है. तो जो ग्रीन वाले जोन है वहां पे हम लोग अपनी बिजनेस एक्टिविटी धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं. रेड जोन के लिए हम लोग अपनी प्लान पॉलिसीज को बदल सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपनी इकोनॉमी बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं. ये ओवरऑल डिस्कशन से अगर आप देखते हो ना तो वर्ल्ड ऑर्डर में अभी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं. अगर हम लोग वर्ल्ड वॉर टू के बाद देखें ना तो यूएसए, यूएसएसआर, ये दो बड़ी कंट्रीज थी और उनके लिए फिर ग्रुप्स बनाए गए. यूएसए को फॉलो करने वाले ग्रुप्स, यूएसएसआर को फॉलो करने वाले ग्रुप्स. 1989 के बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद फिर वापस ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए और ये 20-30 साल चलता रहा. अभी ये जो कोरोना वायरस है या फिर COVID-19 है, ये इवेंट के बाद भी आपको वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे क्योंकि अभी ये जो वॉर चल रही है ना ये डायरेक्टली यूएसए और चाइना के बीच में चल रही है. तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये स्पेसिफिक केस में जो डेवलपिंग नेशन है वो किसको सपोर्ट करें? अगर वो यूएसए को सपोर्ट करेंगे तो भी उनको प्रॉब्लम होगा, अगर वो चाइना को सपोर्ट करेंगे तो भी उनको प्रॉब्लम होगा. अभी ऐसे सिचुएशन में बींग अ इंडियन सिटीजन या बींग इंडिया हमें क्या करना चाहिए? हमें केयरफुली चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, हमें अपने देश के इंटरेस्ट को सबसे सामने रखना चाहिए और एट द सेम टाइम वर्ल्ड का भी ओवरऑल फायदा हो ये भी हमें देखना चाहिए, सो दैट एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड हम फ्यूचर में बना सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें. मेरा जो प्रीवियस वीडियोस थे उसको मुझे बेहतर रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिल चुका है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. कीप वॉचिंग.